संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया तो वहीं बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। इसके साथ ही भारत ने पाक पर पीओके में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में आपत्ति दर्ज कराई। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के राजदूत अजीत कुमार ने पाकिस्तान के पिछले निराशाजनक रिकॉर्ड को जग जाहिर किया और पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया। इसके साथ ही पाक को सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने, आतंक के ढांचे को नष्ट करने और आतंक के सेंटर के तौर पर काम करने को बंद करने की नसीहत दी। परिषद में कुमार ने भारत की पहचान एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के तौर पर कराई तो वहीं इसके उलट पाकिस्तान को तानाशाही, अलोकतांत्रिक और बलूचिस्तान के साथ अपने ही देश में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन करने वाला देश बताया। इसके साथ ही राजदूत कुमार ने समूचे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। सितंबर के आखिर में यूएन जनरल असेंबली के दौरान भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ तीनों देशों की रणनीति को मजबूती मिलेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।